बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण के मेहसी ब्लॉक क्षेत्र में लुटेरों का राज हम दिखाने जा रहे हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण के मेहसी ब्लॉक क्षेत्र में लुटेरों का राज हम दिखाने जा रहे हैं। और हम क्यों इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि सरकारी संपत्ति, सरकारी खजाने पर देश और प्रदेश के लोगों का अधिकार पूरा है, क्योंकि उनके टैक्स के पैसे से देश और प्रदेश में विकास होता है। और जिस जगह हम खड़े हैं, ये सड़क कैमरा में दिखाइए, ये जो सड़क है ये मोतिहारी एनएच पर है, जो मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहा है और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की तरफ आ रहा है। लेकिन जो सामने है ये सीधे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक भगवान का भी घर है और भगवान के घर भी है, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये लिखा हुआ है राजीव गांधी सेवा केंद्र, सामने लिखा हुआ है राजीव गांधी सेवा केंद्र, पंचायत बखरी नाजिरपुर, प्रखंड मेहसी, जिला पूर्वी चंपारण। ये भवन क्या बना हुआ है, ये देख लीजिए, संसदीय भवन के तरह इसका जो है सीढ़ी बना हुआ है। और इसमें कितना लागत लगा इसका कोई अनुमान नहीं है, कैमरा में नीचे आइए, कितना लागत लगा है इसका कोई अनुमान नहीं है। और सबसे पहली चीज ये है कि ये भवन का नाम क्या है, भवन क्यों बना, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, ये भवन क्यों बना और किस लिए बना, किस कौन लोगों ने बनाया, रख रखाव कौन करेगा, ये जो है इसको हम गौर से दिखाएंगे। हमारे साथ इसी भवन के पास एक महिला है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो हुआ चंद्रावती देवी। चंद्रावती जी, ये क्या बना, इस बिल्डिंग का क्या नाम है, क्यों बना ये बिल्डिंग? अब तो हम लोग का पता नहीं है कि क्या बना है नहीं बना है, हम लोग तो मजदूर आदमी है, खाने कमाने वाला है। इसमें जो भूसा उसा रखा हुआ है वो किसका है? किसका है सो हमको पता नहीं है, हम लोग का मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये चंद्रावती देवी है और भूसा उसा रखा हुआ है, और इसी भवन के लिए ये बना है इज्जत घर। ये इज्जत घर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इज्जत घर की बेइज्जती भी आपको दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये इज्जत घर बना हुआ है, इज्जत घर का पाइप नहीं है, और इधर जो है लाखों रुपया खर्च करके टैंक बनाया गया है, बेकार हो गया है। बगल में जो है ये भूसा भरी का घर हुआ, और आप मान सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी बिहार में मुखिया के द्वारा जो भी काम हो रहा है कहीं बोर्ड नहीं होता है, और बोर्ड नहीं होने के कारण ये दर्शाया नहीं जाता है कि प्रकरण की राशि कितनी लगी है, और प्रकरण की राशि नहीं जानकारी होने के कारण इसका अनुमान नहीं लग पाता है आखिर ये कितने फंड से बना हुआ है। इसमें दो कमरे बने हुए हैं और दोनों में ताला लटका हुआ है, और ये ताला हम तो खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि खोलेंगे तो लोग कहेगा आखिर आपने कानून तोड़ा है, तो कानून तो हमको तोड़ना नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर सामने भूसा भरी रखा हुआ है, अब इसका ताले के चाबी जिसके पास है वही जान सकता है कि अंदर क्या रखा हुआ है। हो सकता है कि बिहार सरकार की शराबबंदी कानून का उल्लंघन भी किया जा रहा हो, चूंकि एम्बुलेंस में शराब मिल रहा है, ट्रक के जूते चप्पल में शराब मिल रहा है, तो हो सकता है इसमें भी ऐसा हो। चूंकि आप इसकी स्थिति को देख रहे हैं, और स्थिति को देखने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि कई लाखों रुपये से लागत में यह जो भवन बना है यह किस तरह से है, वो ये देख सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं, और प्रिंट मीडिया के अखबारों के स्याही ख़त्म हो चुके हैं, प्रिंट मीडिया के अखबारों के स्याही ख़त्म हो चुके हैं। अगर स्याही अगर होता तो ये सारी समस्या जो है ये दिखाई देती, और शायद इस पर कार्रवाई होता। आप गौर से देखिए, ये जो बना हुआ है, और ये जो बना हुआ है ये इसलिए बना हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी योजना से बना हुआ है, और योजना से बने होने के कारण यहाँ कई लाखों से ये बिल्डिंग बना है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेखा जोखा नहीं होने के कारण हम अपने इस बिल्डिंग के आगे पीछे भी दिखाएंगे, ये तमाम जो है किसी का घर है और घोटा बना हुआ है, यहाँ पर जो है भैंस बांधा हुआ है, महिला है, केकर है भैंस है? हाँ, अभी हम लेके जा रहे हैं। आपका है ये केकर है, ये खोप उप इन लोग मला लो के मला लो का है, ये जमीन केकर है जिसपे बना हुआ है ना मालूम बाटे, सरकारी सरकारी बा। आई खोप उप के कर प्राइवेट में है कि सरकारी में है?
खूब सरकारी में। सरकारी में ये देख लीजिए नीतीश कुमार जी, सरकारी संपत्ति का लोग कैसे जो है योजना बनाकर हड़पते हैं। यहाँ खोप सब डाल दिए हुए हैं और बिल्डिंग का तो मैंने पूरी कहानी को दिखा दिया। यहाँ एगो भगवान है, वो भी बेचारे अकेले हैं, क्या कर सकते हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। फिलहाल आपके अधिकारी सोए हुए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी महसी सो गए हैं कुंभकर्णी नींद में, और मुखिया जी को चैन और बेचैन दोनों से मुक्ति पा चुके हैं क्योंकि चुनाव जीत चुके हैं। 5 वर्ष के बाद इस सब का रख रखाव करेंगे, ख्याल आएगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जीई न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।